यहाँ पे हम लोग आगे काम किया जाए कि इसमें हम वीडियो भी रखते रहेंगे, तुम लोगों को कभी भी दिक्कत होगा तो समझ लेना देख करके, ठीक है ना। अब इसमें कैसे काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग अपनी कंपनी को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा अपनी कंपनी को, जब कंपनी ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे बाकी किसी चीज में कभी दिक्कत नहीं होगा, समझा ना। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम अपने कंपनी का खाता बैंकों में खुलवाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने कंपनी का खाता किसी न किसी बैंक में क्या करेंगे, ओपन कराएंगे किसी न किसी बैंक में। जब तक खाता ओपन नहीं होगा तब तक आएंगे का कोई काम, तो अब आगे हम लोग कंपनी का खाता खुलवाते हैं। हम चलते हैं अकाउंट में, जाते हो सबसे पहले तुम्हें पता है कि लेजर के माध्यम से क्या होता है अकाउंट ओपन होता है ना। लेजर में जाएंगे हम, यहां से क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। हम खाता खुलवाएंगे किस बैंक में, SBI और बैंक ऑफ इंडिया तो है ना, तो हम यहां पे देते हैं SBI बैंक अकाउंट। अब यहां पे डायरेक्ट बैंक अकाउंट की बात होगी, लेजर बनवाए थे याद होना चाहिए, है ना यार, क्या नहीं बोल रहे औधे के याद है, ध्यान से याद रखो। अब इसमें कह रहा है कि SBI बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, माने पहले से बना हुआ है, तो एक बार हम लोग जाकर के देखते हैं कि बना है कि नहीं डिस्प्ले से, डिस्प्ले में जाओ जाए ना, और डिस्प्ले में जाने के बाद देखो तो यहाँ पे SBI बना है कहाँ पे, और SBI में खाता खुलवा दिया गया कंपनी का है ना। अब तो इसको हम अल्टर करते हैं, डिस्प्ले में गए हैं लेकिन थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग करते हैं, अल्ट्रेशन में जाकर के है ना SBI के लिए हम लोग चेंजिंग करते हैं, एक खाता बनाएंगे SBI बैंक अकाउंट किसके अंदर में जाएगा। ऐसी बात है कि हम पहले भी बताए थे कि बैंक अकाउंट का खाता खुलता है किसके अंदर में जाता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमको कह रहा है कि बैंक अकाउंट में जाएगा, कह रहा है किसके नाम से खाता है ना, तो जो कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पे नाम हो जाएगा, कंपनी के नाम से ही पहला खाता खुलेगा, बाकी उसको यूज करने वाला कौन व्यक्ति है उसको मेलिंग में देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अकाउंट नंबर कितना मिला है ना, तो हम करेंगे अकाउंट नंबर मिला बैंक से 21 92 29 95 209 दे दिए, हम एक कह दे देते हैं। अब कह रहा है कि स्टेट बैंक का IFSC कोड क्या है, IFSC कोड आता है ना, तो IFSC कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं, बरौली में ही खुला है SBIN 00133। चलो यहाँ पे डाल दिए, कह रहा है रिट्राई कीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है बैंक नेम। अब जैसे वहां पे IFSC कोड डालोगे और ऑनलाइन कोड में जब काम हो रहा होगा ना, तो किस बैंक का खाता है अपने आप ही ले लेगा, नहीं ले रहा है फिर नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा है, ब्रांच कहाँ पे है ना, तो बरौली ब्रांच में खुला है खाता, समझा ना। बाकी अभी सेट चेकबुक वगैरह अभी बाद में देखेंगे, अभी इसको नहीं देखेंगे, चेकबुक में कैसे सेट किया जाता है और चेकबुक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट किया जाता है ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे, अभी पहले हम नॉर्मल वे में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मेलिंग डिटेल को आ रहा है, तो मेलिंग डिटेल में भी हम लोग डालेंगे खास करके यहाँ पे किसके नाम से है, तो जैसे मान के चलो इसमें देते हैं मोहनलाल प्रसाद हो गया, एड्रेस कहाँ पे है उसका घर पता, तो हम देते हैं जैसे मान के चलो कि बरौली गोपालगंज बिहार कर देते हैं, बाकी है ना चूज हो जाएगा, एड्रेस दूसरे लाइन में भी आ सकता है, स्टेट को चूज करेंगे, पिन कोड कितना है तो यहाँ पे दे देंगे, और देने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की बात आ रही है, तो ओपनिंग बैलेंस में हम इसमें खाता खुलवाया था कितना पैसा रखे थे SBI में, कितना रखे थे 1 लाख याद होना चाहिए, कितना रखे थे बच्चा सब 1 लाख डेबिट में रखा गया, यहाँ पे हम इंटर कर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा हम लोग खाता खुलवा लिए मान के चलो कि बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया बना है इसमें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना है ना, हम बैंक ऑफ इंडिया में बना लेते हैं एक बार है ना, उसको देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे BOI बैंक अकाउंट, ठीक है, किसके अंदर में, उसी तरीके से इसको भी फॉलो अप करेंगे,
करेक्ट ना, अकाउंट नंबर मान के चलो दे दिए 31 92 38 95 55, ना इधर वही बैंक का हो गया ना, कि दूसरा खाता नंबर ना है, ये खाता नंबर मिला। आईएफसी कोड क्या है? बी के आई डी 214, हम इसको डाल दिए। ब्रांच नेम क्या है? कहां ब्रांच है? कि बैंक का ब्रांच कहां? बरौलिये में है, ठीक ना, वही पे हम लोग खाता खुलवा दिए हैं। फिर यहाँ पे किसका नाम है? मोहन लाल प्रसाद। आगे ना, एड्रेस इसका कहाँ है? बरौली गोपालगंज बिहार। इसको अभी हम पीच कोड नीचे चल के डालेंगे, पीन कोड यहाँ पे 84 14 0। इसमें कितना पैसा था? यहाँ इसको भी डेबिट कर दिए। यहाँ तक काम करता, दो बैंक में हम लोगों ने खाता खोला, अपने कंपनी का खाता खुलवाया और वहां की किलाकर के एंट्री इसके अंदर टैली के अंदर की, ठीक है। और यहाँ पे बैंक में चलेंगे हम लोग भाउचर के अंदर, किसके अंदर? भाउचर के अंदर। जब भाउचर के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे पहला चीज ये आएगा कि हमें क्या करना है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या करना है, पैसा को है ना, बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हम लोग क्या है, किसी भी भाउचर को ओपन कर लेंगे। हम बताए हैं कि ट्रांसफर करने के लिए कौन सा भाउचर? कॉन्ट्रा भाउचर। कॉन्ट्रा भाउचर कैसे ओपन होगा? F4 उसका शॉर्टकट की होता है। नहीं समझ में आए तो इधर देखो, यहाँ पे साइड बटन है, यहाँ पे साइड में दिखा रहा है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या दबाते हैं? शॉर्टकट की के माध्यम से। और है क्रेडिट, किस बैंक में से निकालना है? सीआर का मतलब क्या है? क्रेडिट। सीआर का मतलब क्या हुआ? तो क्रेडिट माने किस बैंक से निकालना है और डेबिट माने किस बैंक में रखना है। हमको निकालना कहाँ से है? SBI में पैसा कितना था? 1 लाख। तो यहाँ पे देख लिया जाए इसमें से निकालना कितना है? 60,000। तो यहाँ से 60,000 निकाल लिया गया है ना, बाई चेक के माध्यम से ही होता है। ट्रांजेक्शन आईडी कितना है ये सब इसमें डाला जाता है। आगे चल करके इसको और डिटेल करेंगे। अब कह रहे हैं कि डेबिट किस बैंक में रखना है? बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक में पैसा कितना था? 1 लाख। 60,000 निकाल लिए, कितना बचा? 40,000 SBI के नीचे यहाँ दिखा रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है ना, ये पैसा 4,000 करके रखेंगे किसके अंदर? बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया में कितना पैसा ना, ये बैंक से निकाल के वो बैंक में रखना है, तो दूसरा बैंक में यूज करेंगे, तो वो बैंकों में कितना पैसा था पहले? 20,000। 40,000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 हुआ ना। यहाँ पे पहले कितना था? 60,000 रख के 80,000 हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है, यही बात आएंगे है ना, कि इस चेक नंबर ट्रांजेक्शन नंबर जो है इस नंबर से जो है आया हुआ है, और ये बात फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे। एज एग्जांपल हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, कि हमने इतना रुपया इस बैंक से निकाल करके इस बैंक में ट्रांसफर किया, इतने तारीख को ट्रांसफर किया है ना, ये कंडीशन था। इस सारे कंडीशनों को लिख देंगे, खास करके जिससे हमको देखें तो खास करके भविष्य में कभी भी ये याद रहेगा कि हम लोग क्या किए हैं। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट आप इंटरनेट से जाके कर सकते हैं और कंट्रोल ए को भी दबा के किया जा सकता है, या हम लोग यहाँ पे जाकर के क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत, एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे पैसा ट्रांसफर होगा, समझ में आया? यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो इसको अब देख लिया जाए, आगे इसके बारे में लिखा जाए, समझा जाए। चलिए F